हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वक्त मैं हूँ अंडमान में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लानिंग एंड बजटिंग अंडमान टूर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए। मेरी फ़्लाइट है 8:30 बजे, और जब तक मैं एयरपोर्ट पहुँचता हूँ तब तक मैं आपको बता देता हूँ मेरी अंडमान की प्लानिंग। पोर्ट ब्लेयर में हम रुकेंगे 2 दिन, नील आइलैंड में 1 दिन, और हैवलॉक में गुजारेंगे 2 दिन। जब हम पोर्ट ब्लेयर में होंगे तो हम जाएंगे पहले दिन पे सेलुलर जेल, वहाँ का टूरिज़म करेंगे और म्यूज़िक शो देख करके वापस आएंगे। दूसरे दिन हम जाएंगे रॉस आइलैंड, जो पोर्ट ब्लेयर से महज 45 मिनट्स की दूरी पर है, और वापस आकर के हम जाएंगे चिड़िया टापू, जो कि मरीना हिल से 15 मिनट के रास्ते पर है विद बाइक। नील आइलैंड पे हम जाएंगे लक्ष्मणपुर बीच 1 और 2, और साथ ही घूमेंगे भरतपुर बीच। और फाइनली हैवलॉक आइलैंड पे हम पहले दिन पे जाएंगे राधानगर बीच, और दूसरे दिन पे जाएंगे स्कूबा डाइविंग करने के लिए। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं कोलकाता एयरपोर्ट। यहां से मेरी फ़्लाइट है 8:30 बजे, और मुझे पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में लगेंगे करीब 2 से 2.5 घंटे। तो दोस्तों, मेरी गो फर्स्ट की फ़्लाइट आ चुकी है, और जैसा मैंने कहा था 2.5 घंटे की जर्नी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं अंडमान आइलैंड्स। अब कुछ ही मिनट में फ्लाइट लैंडिंग होगी। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। यहां से मैं ऑटो लूंगा अपने होटल को जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। अंडमान में आपको 800 से 1200 के बीच में अच्छे खासे रूम मिल जाएंगे रहने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, पहला दिन हम जाएंगे सेलुलर जेल। मैंने ऑटो लिया है, आप चाहे तो बाइक रेंट पर ले सकते हैं। सेलुलर जेल की एंट्री फीस है 30+300, 330, 30 सिर्फ टूरिज्म का और 300 म्यूजिकल शो का। जेल में घुसते साथ पहले आपको दिखाई देगा वहाँ का म्यूजियम, जहाँ पे इस जेल की सारी हिस्ट्री दीवारों पे लगाई गई है। ये वो जेल है जहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले फ्रीडम फाइटर्स जो पकड़े जाते थे, उनको काला पानी के सज़ा के नाम से यहाँ रखा जाता था। बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ हमारे अपने बहुत ही प्रख्यात फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी को भी यहीं पे 40 साल तक रखा गया। ये वो फांसी घर है जहाँ पे एक ही बार में 3-3 लोगों को फांसी दी जाती थी। यहाँ के छत से आप चारों तरफ घिरे समुंदर को देख सकते हैं, और आसपास के आइलैंड का भी नज़ारा देख सकते हैं। अंदर फ़ोन से या किसी भी डिवाइस से रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं म्यूज़िक शो का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, पर आप ज़रूर जब भी जाएं म्यूज़िक शो यहाँ का ज़रूर देखें। म्यूज़िक शो के बाद आप जा सकते हैं गांधी पार्क, जो सेलुलर जेल से बहुत ही करीब है, जहाँ पर आप बहुत सारे टेस्टी स्नैक्स का मज़ा ले सकते हैं।
मैंने यहाँ से खाया फ़िश फ्राई विद अंडा भुर्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी था और सिर्फ 50 रुपये में पेट भर मिल गया। इसके बाद आप आसपास के मार्केट में घूम सकते हैं या फिर अपने होटल जाकर रेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हमें रॉस आइलैंड जाना है, लेकिन उससे पहले मैं नील आइलैंड के लिए बुकिंग कर लूँगा। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगले दिन अगर आपको नील आइलैंड जाना है तो उससे पिछले वाले दिन पे आप बुकिंग कर लें, वरना उस दिन पे करने से आपको सीट मिलने में दिक्कत हो सकती है। नील आइलैंड के बुकिंग के लिए डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विस में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ के काउंटर से अपने लिए टिकट बुक करना पड़ेगा। साथ ही आपको यहाँ पर अप्रूवल देना पड़ेगा कोविड टेस्ट के लिए। वहाँ ऑफिस के साइड में ही आपका टेस्टिंग सेंटर है, जहाँ पे इस तरह का वेरीफाइड सिग्नेचर आपको देगा टेस्टिंग करने के बाद में, और यहीं से आपको अगले दिन बोट मिल जाएगी जाने के लिए। टिकट बुक होने के बाद में वो आपको इस तरह का एक प्रिंट आउट देगा, यही आपका टिकट रहेगा। अगले दिन आपको जब बोट पे चढ़ना रहेगा तो ये दिखाने के बाद में आपको बोट पे एंट्री दी जाएगी। यह है अभी का करेंट रेट चार्ट, इस हिसाब से आप अपना टिकट काट सकते हैं। स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक, शहीद द्वीप यानी कि नील आइलैंड। मैंने लिया था सीट, इसलिए मुझे पड़ा 590 सीट के लिए। इसके बाद हम चलेंगे रॉस आइलैंड की तरफ। रॉस आइलैंड जाने के लिए आपको राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा टिकट बुक के लिए। पर पर्सन 370 यहाँ का टिकट है। यह है अबरदीन जेटी, यहाँ से आपको रॉस आइलैंड जाने के लिए जेटी मिल जाएगी। पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड सिर्फ 20 मिनट्स की दूरी पर है, इसलिए ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा पहुँचने के लिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं रॉस आइलैंड, और यहाँ पे करीब एक घंटा आपको घूमने के लिए दिया जाएगा, और ठीक एक घंटे बाद आपको वापस बोट पे रिपोर्ट करना होगा। चलिए रॉस आइलैंड का मज़ा उठाते हैं। रॉस आइलैंड एक बहुत ही छोटा सा टापू है, जहाँ पे किसी वक्त काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हुआ करते थे अंग्रेज़ों के टाइम पे, और एक घंटे में आप आराम से घूम करके वापस आ सकते हैं। रास्ते में आपको काफ़ी सारे टूटे फूटे ऑफिसेस और मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे फोटोग्राफी के लिए। यहाँ का रास्ता ऊपर की ओर जाता है, इसलिए जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा प्रिपेयर होके जाएं। रॉस आइलैंड से वापस आते ही हम जाएंगे चिड़िया टापू की तरफ, जो कि मरीना हिल से सिर्फ 15 मिनट के रास्ते पर है। चिड़िया टापू एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट पॉइंट है, जहाँ पे आप घंटों बैठ करके बिता सकते हैं और यहाँ का सनसेट का मज़ा ले सकते हैं। अगले दिन मैं पहुँच गया फिनिक्स जेटी, जहाँ से नील आइलैंड के लिए जेटी छोड़ी जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिस भी जेटी में आप जा रहे हैं उसके कम से कम एक घंटे पहले आप पोर्ट पे रिपोर्ट करें। पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड जाने के लिए आपको लगेगा कम से कम 2.5 घंटे, और इस बीच में आप चाहे तो जेटी के डेक पर जाकर के एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूं नील आइलैंड, यहां से मैं ऑटो लेकर के चलूंगा अपने होटल की तरफ। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने रिजॉर्ट पे, और आप देख सकते हैं बहुत ही पीसफुल जगह पर ये रिजॉर्ट है, और ये है मेरा छोटा सा रिजॉर्ट। घुसते ही लेफ्ट साइड पे है क्लीन और वेल मेंटेन्ड बाथरूम, यह है लिविंग रूम, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं छत भी बिल्कुल खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है लकड़ी से। पीछे की ओर आप अगर जाए तो वहाँ भी बैठने के लिए एक एरिया दिया गया है। और ऊपर चढ़ते हुए आप पाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन सा आपके लिए कोजी बेडरूम।
मौसम के ख़राब होने के कारण मुझे अपना प्लान एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा, लेकिन जंगल के बीच में लकड़ी से बने घर में शाम बिताना, वो भी बारिश के टाइम, वॉज अ मैजिकल एक्सपीरियंस। अगले दिन मैं चला गया सनराइज पॉइंट सीतापुर बीच का, जो मेरे होटल से 20 कदम दूरी पे ही थी, और सनराइज का मजा लिया। क्योंकि ब्रेकफास्ट फ्री था मेरे पैकेज में, तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं था, तो मैंने पेट भर नाश्ता किया और निकल पड़ा लक्ष्मणपुर बीच के लिए। लक्ष्मणपुर वन जाने के लिए आपको लगेंगे कम से कम 20 मिनट बाइक से। तो मैं पहुंच चुका हूं लक्ष्मणपुर वन बीच। ये बीच टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपको अगर अकेले ऐसे प्राइवेट बीच अपने टाइम अगर स्पेंड करना है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप दोपहर के टाइम जाए, 1 से 2 बजे के बीच, तब ये बीच बिल्कुल खाली मिलता है, तो आप अच्छे से फोटोशूट वीडियो कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है और यूं ही आप बस बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहते हैं शांति से, तो भी दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। लक्ष्मणपुर बीच के बाद मैं चल पड़ा भरतपुर बीच के लिए, जो कि लक्ष्मणपुर बीच से करीब 15 मिनट्स के रास्ते पर है। वैसे दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भरतपुर बीच ना ही जाए तो ही बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पे देखने लायक वैसा कुछ भी नहीं है। जेटी के बगल में ज़रा सा ही एक बीच टाइप का है, कुछ शॉपिंग एरियाज़ है, लेकिन वैसा कुछ बड़ा खास नहीं है। इसके बाद मैं आगे बढ़ा लक्ष्मणपुर टू या लक्ष्मणपुर ब्रिज की तरफ, जो कि अगेन भरतपुर से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। तो ये है दोस्तों लक्ष्मणपुर टू या लक्ष्मणपुर ब्रिज, जो कि एक नेचुरली मेड ब्रिज है। यहाँ पे आने का सबसे अच्छा टाइम है दोपहर के 1 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ का जो सी लेवल है वो नीचे चला जाता है। ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं वो मॉर्निंग के टाइम पानी ऊपर तक होता है ब्रिज तक, और 1 बजे के बाद पानी धीरे धीरे नीचे चला जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जा सकते हैं। नेचुरल ब्रिज के साथ आप यहाँ पे छोटे मोटे मरीन लाइफ भी देख सकते हैं, जो पानी गड्ढे में भरे रहते हैं सी लेवल नीचे जाने के बाद भी, वहाँ पे छोटे मोटे मछलियाँ आप अभी भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ एक बात बता दूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे कोई गाइड हायर मत करिए। वो लोग बोलते हैं कि आपको 2 ब्रिज दिखाएंगे जो 2 अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ब्रिज जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, दूसरा आप वहाँ खड़े खड़े देख सकते हैं, सामने एक ब्रिज है वहाँ इस जगह पर। और इसके साथ आपको ये भी बोलती है कि आपको मरीन लाइफ दिखाएंगे, जैसे कि वो पानी के अंदर आपको लेके जाएंगे स्कूबा की तरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो छोटे मोटे पानी में जमे हुए मछली है जैसा मैंने आपको दिखाई, ये बस वही है, और इसी के वो 1500 रुपये मांगते हैं, तो आप प्लीज़ गाइड के चक्कर में ना पड़े। तो फिर से फ्री का नाश्ता करते हुए मैं निकल पड़ा हैवलॉक आइलैंड के लिए, और जैसा कि मैंने कहा था कि किसी भी आइलैंड में जाने के लिए एक दिन आगे आप अपना बुकिंग करा ले, वरना सीट मिलने में दिक्कत हो सकती है। नील आइलैंड से हैवलॉक जाने में भी लगते हैं 2 घंटे। तो 2 घंटे की लंबी जर्नी के बाद मैं पहुँच चुका हूँ हैवलॉक आइलैंड। यहाँ से ऑटो लेकर के मैं अपने होटल में जाऊँगा, और ये रहा मेरा होटल संग्रीलास, और ये रहा मेरा रूम एकदम झकास। रूम भी आपको 800 से 1200 में हैवलॉक में मिल जाएगी। क्योंकि होटल चेक इन करते करते ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, तो मैं और देर नहीं करते हुए मैंने बाइक हायर किया और राधानगर बीच की ओर चल पड़ा। हैवलॉक आइलैंड पर बेस्ट और एकमात्र सनसेट देखने के लिए जगह है राधानगर बीच। यहाँ
यहाँ पे सनसेट होने तक आप बीच का मज़ा ले सकते हैं और साथ ही सनसेट होने के बाद कुछ स्नैक्स भी आसपास के शॉप से ले सकते हैं। डिनर के लिए मैंने खाया राइस, चपाती और क्रैब जो कि बहुत ही टेस्टी था। इस तरह का कई सारे सी फूड आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे। अगले दिन सुबह मैं फिर से निकल पड़ा काला पत्थर बीच की तरफ, जो मेरे होटल से 5 या 10 मिनट की दूरी पर है। जिस तरह से राधानगर बीच इज़ गुड फॉर सनसेट, काला पत्थर बीच इज़ द बेस्ट फॉर द सनराइज। वैसे भी इन दो बीचेस के अलावा और कोई वैसा बीच नहीं है जहाँ पे ये एक्सपीरियंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ स्कूबा डाइविंग करने के लिए। स्कूबा डाइविंग तो आपके होटल वाले भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि बाहर से जा करके आप जितने स्टोर्स हैं वहाँ पे पता लगाएं, और स्कूबा डाइविंग या कोई भी एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हो वहाँ से पता करके, बार्गेनिंग करके जहाँ कम पड़े आप वहाँ से सर्विस लें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ स्कूबा डाइविंग के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं स्कूबा डाइविंग की तरफ। स्कूबा डाइविंग के मैजिकल एक्सपीरियंस के बाद मैं अपने होटल पहुंचा और वहां पे आराम से अपने प्राइवेट बीच पर बैठ करके काफ़ी समय स्पेंड किया। पूरे तरह से रिलैक्स होने के बाद रात को मैंने डिनर भी खाया, राइस और स्वादिष्ट डिश लॉबस्टर का, और इसी के साथ मेरा टूर यहीं पे समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था अंडमान का प्लानिंग और अब करते हैं बजटिंग। सबसे पहले फ्लाइट में मुझे टोटल लगा 9500, जिसमें से आपका 4800 और डाउन का 4500। हालांकि इतना सस्ता फ्लाइट होता नहीं है अंडमान के लिए। जनरली 6500 से 7000 तक का रेट अंडमान फ्लाइट के लिए वन वे के लिए लग सकता है, लेकिन मुझे इतना सस्ता में कैसे मिला ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एटलीस्ट 2 महीने आगे से ही फ़्लाइट के लिए जितना ट्रैकिंग कर सकते हैं आप करिए, देखिए कहाँ पे किस डेट पे सस्ता फ़्लाइट दिया जा रहा है। और जनरली कोई फेस्टिवल के टाइम पे बुक करने की ज़्यादा कोशिश करें, बिकॉज फेस्टिवल के टाइम पे कंपनीज आपको डिस्काउंट्स वगैरह देती रहती है। और दूसरा है कि इतना रेगुलर ट्रैकिंग करने पर कंपनी वैसा ही कुछ छोटा मोटा डिस्काउंट्स आपको ऑफर करते रहती है, तो जहाँ भी आपको लगे कि सस्ता फ़्लाइट मिल रहा है वहाँ पर आप बुक कर दें। इसके बाद होटल के लिए मुझे पड़ा 6000, ऑन एन एवरेज 1000 पे रूम आपको अच्छा खासा मिल ही जाएगा हर जगह पे। तो 6 दिन के लिए 1000 पर नाइट पे 6000। बाइक के लिए 600 पर डे, जो वहाँ का बाइक रेंट होता है उस हिसाब से 4 दिन मुझे बाइक लगा था, सिर्फ पूरा 6 दिन के लिए नहीं लगा था, सिर्फ 4 दिन के लिए 2400। ऑटो रिक्शा के लिए 500 मैक्सिमम मैं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ आने जाने के लिए छोटा मोटा जगह पे ट्रैवल करने के लिए जहाँ पे बाइक की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे 50 से 100 रुपया वो लोग ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर के 500 पकड़ सकते हैं मैक्सिमम। एंट्री फीस में 380 टोटल मेरा लगा है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि सेलुलर जेल में 30 टूरिज़म के लिए और 300 आपका जो लाइट शो के लिए वो लगता है, तो
330 वहाँ पे और 50 मुझे लगा था रॉस आइलैंड के एंट्री पर, तो टोटल 380। फिर आता है फेरी बोट के लिए, तो फेरी बोट के लिए सीट वाला सेक्शन मैंने बुक किया था, तो सीट के लिए 590 कॉस्ट होता है। तो पोर्ट ब्लेयर से नील, नील से हैवलॉक और हैवलॉक से वापस पोर्ट ब्लेयर, तीन जर्नी के लिए 590 × 3 दैट इज़ 1770। देन आता है स्कूबा, स्कूबा के लिए मुझे 3500 बोला गया था लेकिन मैंने बार्गेन करके 3300 वो लोग मुझे दिए हैं, तो 3300 मुझे लगा स्कूबा के लिए। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 8 बजे से पहले वाले बैच पे जाते हैं, 7 बजे से 8 बजे के बीच वाले स्कूबा बैच में जाते हैं, तो 4000 तक आपका लग सकता है और वो बार्गेनिंग फिर नहीं भी करते। उसके बाद में अगर आप जाते हैं 8 से 8:30, 9 के बीच में, तो वहाँ पे जो रेट है थोड़ा कम भी होता है और बार्गेन भी आप कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप जाइए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स है ही, जैसे कि कायाकिंग, स्नॉर्केलिंग, उसके बाद आता है आपका बनाना राइड, फिर ग्लास बोट राइड। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि बाकी जो वाटर स्पोर्ट है स्कूबा छोड़ करके, और कायाकिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ पे अपना पैसा वेस्ट मत करिए, क्योंकि उतना खास कुछ भी नहीं है, वो सारा सिर्फ पैसे की बर्बादी है। जैसे कि ग्लास बोट पे अगर आप जाएंगे तो एक बोट के नीचे आपको छोटा सा ग्लास का पीस रहता है, उस पर आपको देखने के लिए बोला जाता है ताकि अंदर से कुछ मरीन लाइफ आपको दिखाई दे, लेकिन मोस्टली वो थोड़ा धूल मिट्टी ये सब होने के वजह से आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, बेकार बेकार पैसा आपका चला जाएगा। तो इसी तरह से वाटर स्पोर्ट्स में स्कूबा और कायाकिंग छोड़ के आप कुछ भी मत करिए, मेरा तो रिकमेंडेशन यही है। मरीन लाइफ आपको अगर देखना है तो स्कूबा से बेटर कुछ भी नहीं है। स्कूबा में जो एक्सपीरियंस आपको हो सकता है वो और किसी भी वाटर स्पोर्ट में नहीं होगा। इसके अलावा कायाकिंग यानी कि एक तरह से बोट राइड है, एक लंबा सा बोट होता है जिसमें आप अकेले जा सकते हैं, और कपल के साथ हो तो दो बैठने की जगह होता है और आपको खुद ही आपको रोरिंग करके आपको जाना पड़ता है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। आपको एक घंटे के लिए बोट दिया जाता है तो ये भी ठीक है, लेकिन स्कूबा ही बेस्ट है, मैं तो रिकमेंड करूँगा यही। उसके बाद आता है फूडिंग, तो खाने में 500 पर डे मेरे लिए तो बहुत ही काफ़ी था, अच्छा से पेट भर के मैंने खाया 500 रुपया पर डे लेकर के। और अगर ये डिपेंड करता है कि आपको अगर सी फूड खाना है, रोज़ खाना, थोड़ा रिच खाना खाना है, तो उसमें थोड़ा वेरी करेगा आपका प्राइस, थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल आप थाली मील्स या ऐसा कुछ लेते हैं और कुछ नॉनवेज भी लेते हैं तब भी आपका 500 मैक्सिमम जाएगा एक दिन पे, तो उस हिसाब से 6 दिन के लिए मैंने पकड़ा है 3000, तो कुल मिला करके आपका टोटल आएगा 26,850 रुपीज़ अंदमान के पूरे टूर 5 से 6 दिन के लिए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप शॉपिंग क्या करेंगे, और खाना अगर आपको जैसे मैंने कहा रिच करना है और भी कोई अदर वाटर स्पोर्ट्स करेंगे तो वेरी करेगा उससे आगे पीछे, बट अगर बजट में आपको करना है तो ये 26,000 आपको 6 दिन के लिए आराम से अंदमान आपको घूमने मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अंदमान का टूर होता है यहीं पर समाप्त, आपसे मैं फिर मिलूँगा किसी और टूर पर, तब तक के लिए बाय।